हेलो स्टूडेंट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ए द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बी द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज द के एम ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। सी अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट विद द एंजाइम टू फ्रॉम एन एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। डी इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज्ड बाय द एंजाइम। बात करते हैं हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की। ये जो स्टेप्स दिए गए हैं, ये स्टेप दिए गए हैं ई एस कॉम्प्लेक्स के बारे में, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में। यह स्टेप्स हमें दिए गए हैं और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेप्स हमारा इनकरेक्ट है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, यह एक हमारा एंजाइम है, यह एक हमारा एंजाइम हो जाता है और यह हमारा है सबस्ट्रेट। और ये हमारा है इनहिबिटर, यानी कि आई। तो जो इनहिबिटर होता है वह क्या करता है, कॉम्पिटिटिव करता है एंजाइम की एक्टिव साइट पर। क्या करता है, कॉम्पिटिटिव करता है और फॉर्मेट करेगा ई आई कॉम्प्लेक्स का, फॉर्मेशन करेगा ई आई कॉम्प्लेक्स का, ई आई कॉम्प्लेक्स या जिसे हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का क्या करता है, यह फॉर्मेशन करता है। यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं जो प्रोडक्ट है वह प्रोडक्ट नहीं बनता है, नो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, नहीं बनता है। इसके ऑपोजिट यार हम बात करते हैं इसके रिवर्सिबल। जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट होती है, सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन होती है वह हाई होती है, यानी कि जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हाई होगी तो इनहिबिटर जो हैं वह इनहिबिटर जो हैं वह वर्क नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए जो दे रखा है, द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो यह तो स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। बी स्टेटमेंट की बात करें, द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर इनहिबिटर डिक्रीज द के एम ऑफ द एंजाइम ऑफ द सबस्ट्रेट, तो यह स्टेटमेंट यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इनकरेक्ट है, क्योंकि बात करते हैं हम यहाँ पर के एम की, के एम वैल्यू की। के एम क्या होती है, के एम वैल्यू होती है सबस्ट्रेट की, सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट क्या होता है, टू अचीव हाफ वी मैक्स। वी मैक्स होता है वेलोसिटी। वी मैक्स की बात करें तो वी मैक्स होता है मैक्सिमम वेलोसिटी। और जो के एम होती है यह इन्वर्सिबल होती है एफिनिटी की। रिवर्सिबल होती है एफिनिटी की, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एफिनिटी की। तो हम बोल सकते हैं एफिनिटी ऑफ एंजाइम, एफिनिटी ऑफ एंजाइम टू इट्स सबस्ट्रेट अगर के एम की वैल्यू जो है हाई होती है या इंक्रीज होती है तो वी मैक्स क्या होता है,
अनचेंज्ड रहता है। ऑप्शन बी की बात हो गई, सी की बात करते हैं। अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर रिएक्ट विद द एंजाइम टू अ फ्रॉम अ एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो यस, यह एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स की तरह जो है रिएक्ट करता है। डी दे रखा है, इन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन द इनिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज बाय द एंजाइम। यह भी सही है। हमें इसमें बताना है कौन सा हमारा जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ लिखते हैं हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है वह स्टेटमेंट है स्टेटमेंट बी। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। आई होप अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।